गाइस यार ये है असली टाइटेनियम आर्मी के लेवल का रॉकेट। जी हाँ गाइस, दूर से देखो यार कितना बड़ा है, मेरी हाइट से इतना बड़ा। जी हाँ गाइस, तो ये है टाइटेनियम आर्मी के लेवल का रॉकेट। और गाइस यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कोई लॉन्च नहीं होने वाला है, अभी ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। और मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहता था कि आपका जो भाई है वो टाइटेनियम आर्मी के लिए किस लेवल पे काम कर रहा है। देखो इस लेवल पे। जी हाँ गाइस, बनाने को तो इसे मैं अभी भी बना देता और इसे लॉन्च भी कर देता, लेकिन गाइस यार इतना बड़ा रॉकेट बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी का, नियमों का, कानून का। हम किसी भी एक्सप्लोजिव या फिर किसी भी इलीगल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी बनाने के लिए। लेकिन 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 मेरा पूरा भरोसा है और मेरा पूरा विश्वास है, और आपको भी ये भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही अपने 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, यानी कि जब तक 35 मिलियन होंगे तब तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, और हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही इतना बड़ा रॉकेट स्काई के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे। ये आपके भाई का वादा है, तो आपके ऊपर है कि आप कब चाहते हो कि ये टारगेट पूरा हो, यानी कि जब 35 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब तक मुझे इसे कंप्लीट करना है। ये चुनौती मेरे लिए है और ये क्विक अपडेट था कि हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन गाइस एक चीज है जो कि हमने अभी भी ट्राई की है दिवाली के टाइम पे, वो चीज बढ़िया है। आप भी देखेंगे कि किस तरीके से हम साइंस का इस्तेमाल करके चीजों को रन कर सकते हैं, तो वो है पॉल्यूशन फ्री रॉकेट, जो कि आगे आपकी वीडियो के अंदर आपको दिखेगा। मेरा बड़ा मन था यार कि इतनी शानदार चीज़, ये देखने में इतनी मस्त लग रही है और साथ साथ जय हिंद जय भारत लिखा है, तो मेरा मन किया है यार कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। इसीलिए मैंने वीडियो के आगे ये छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया ताकि आपको पता पड़े कि चैनल पर क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो बस इंतज़ार करो इस चीज़ का आने का, और तब तक मज़ा लो पॉल्यूशन फ्री रॉकेट का। हैप्पी दिवाली। एक नॉर्मल कोका कोला की बोतल, अगर आप टाइटेनियम आर्मी के पहले से मेंबर है तो आपको पता होगा कि ये नॉर्मल बोतल नहीं है, बल्कि ये है दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एंड पॉल्यूशन फ्री रॉकेट। जी हाँ गाइस, हालांकि काफी लोगों को पहले से पता होगा जो कि चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। देखो इस बोतल के ऊपर हमने एक छोटा सा छेद कर रखा है, एक छोटा सा नोजल बना रखा है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं आइसोप्रोपेनॉल, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा के अंदर। देखना बस इतनी काफ़ी। इसके बाद में हम इस बोतल को कुछ इस तरीके से शेक करते हैं ताकि अंदर का जो आइसोप्रोपेनॉल है वो हवा के साथ में मिक्स हो जाए। जी हाँ गाइस, और उसके बाद में जैसे ही हम इसके मुंह के ऊपर आग लगाएंगे फिर देखना क्या मैजिक होता है, ठीक है गाइस। लेकिन आप ऐसा प्लीज़ यार कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, सेफ्टी फर्स्ट। और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने बोतल को यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दिया है, अब मेरे पास है लाइटर और अब देखना कमाल। देखो एक दो तीन न जाने कितने कदमों दूर तक हमारा जो रॉकेट है वो आ गया, देखो यहाँ तक। और गाइस हमारा रॉकेट भी काफी अच्छे से काम किया है, लेकिन गाइस अब ये टाइटेनियम आर्मी के लेवल का नहीं रहा है। सेम इसी सिंपल से प्रिंसिपल के साथ में हम ट्राई करने वाले हैं इसी चीज को इस टाइटेनियम आर्मी के लेवल के ड्रम के साथ में। तो गाइस अब आप सोच सकते हैं इतना बड़ा ड्रम, और गाइस यार इस ड्रम के अंदर बहुत ज्यादा वजन है, लगभग 22-23 किलो। लेकिन इसके ऊपर एक कमाल की चीज है, यहाँ पर दो नोजल है, देखो एक ये रहा एक ये रहा, हम इन नोजल्स को एज अ रॉकेट नोजल्स यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर सेम इसी प्रिंसिपल का यूज करके देखते हैं कि हम इसी तरीके से इसे भी रॉकेट के अंदर बदल पाते हैं या फिर नहीं। ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा वजन है, साथ ही साथ सही फ्यूल मिक्सचर का होना भी जरूरी है। अगेन आपको कह दूं ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, आप बस इस वीडियो को देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और हम फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं। मैं हूं ना ये सब करने के लिए, आपको करने की क्या जरूरत है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सच में बहुत भारी है यार, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर काम कर जाए तो लाइक कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर भी डालते हैं आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है गाइस। एक दो तीन चार, अब इसके ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि अंदर की जो गैस है वो बाहर नहीं निकले। अब करते हैं इसके अंदर के फ्यूल को मिक्स, इसका सबसे बढ़िया तरीका है ये। फुटबॉल खेलो <वो। laughs> इस तरीके से फुटबॉल खेलते जाओ, अंदर का फ्यूल मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही फ्यूल मिक्स हो जाए उसके बाद में हम इसे सेट करते हैं रॉकेट बनने के लिए गाइस, कुछ इस तरीके से। गाइस बड़ा रॉकेट है,
तो सारी चीजें वायरलेस है। बेवकूफों की तरह इसे पास में रखे लाइटर से नहीं जलाएंगे बल्कि वायरलेसली ही इसे ऑपरेट करेंगे। आ जाओ, रॉकेट उड़ाते हैं। एक, दो, तीन। इस रॉकेट ने काम तो किया। देखो इस ये जो मतलब रैंप था इसको इसने क्रॉस कर दिया, मतलब कि ये चीज काम तो कर रही है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से मे भी थोड़ा सा पावर कम है। थोड़ा सा फ्यूल के मिक्सचर के साथ में और एक बार खेलते हैं और फिर एक बार वो ट्राई करते हैं। ठीक है गाइस, इस बार जो है मैंने रैंप को हटा दिया है, बिना रैंप के ही 3-2-1 करते हैं। ठीक है, अब चलाते हैं। इस वाले ने तगड़ा काम किया यार, और इसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मोर भी बोल उठे। गाइस यार, वजन के हिसाब से हमारे ड्रम ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। अब क्या करते हैं, इसको सीधा खड़ा करते हैं और सीधा खड़ा करके चला के देखते हैं ये ऐसे चलता है या फिर नहीं। ये वाला मस्त था यार। राइट गाइस, एक, दो, तीन। भाई कितना भयंकर यहाँ पे खड़े हो गए। ये देखो सारी मिट्टी इसने उखाड़ दी है, मतलब कि इसके अंदर से जो प्रेशर निकला इतना ज्यादा था कि इसने सारी चीजें खोद दिए, और ये बहुत ज्यादा हाइट तक गया था यार। यकीनन मजा आ गया, इतना वजनी ड्रम की मैं अकेले इसे आसानी से उठा भी नहीं सकता। इसके अंदर भी हमारी ट्रिक ने काम किया और इसे बना दिया टाइटेनियम आर्मी के लेवल का रॉकेट। यकीनन यार मजा आ गया। गाइज यार, सही फ्यूल मिक्सचर हो और सही तरीका और सेफ्टी के साथ में चीज़ें की जाए तो चीज़ें काम करती है। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा पॉल्यूशन फ्री रॉकेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये बहुत गर्म है यार।